आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस इस बार भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर मना रही है। आज पीएम मोदी का जन्मदिन है। बीजेपी इस दिन से 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएगी। इस अभियान के जरिए सेवा कार्यों के माध्यम से कार्यकर्ता विभिन्न समाजों और वर्गों से जुड़कर समस्याओं का समाधान खोजेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनौतियों का सामना सिर्फ सरकार के बूते का नहीं होता, इसलिए संगठन कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर रीवा जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर रीवा के ऑडिटोरियम में शासन द्वारा हितग्राही सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के सांसद विधायक सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वहीं ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया जा रहा है। बताया गया है कि कार्यक्रम जिले के हर ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किया जाना है। आज के दिन में जिले भर के विभिन्न स्थानों पर स्वैच्छिक ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। सभी ग्राम पंचायतों में स्व सहायता समूह के माध्यम से वृक्षारोपण कराया जा रहा है। शहर में हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं मानस भवन के पास। और बड़े ही खुशी की बात है कि आज ही हमारे वृद्धजन जिले से तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। 350 से ज्यादा लोग तिरुपति की यात्रा पर भी जा रहे हैं। शाम को 6 बजे उनकी ट्रेन रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। हम लोग ये प्रण करते हैं कि इस 1.5 माह की अवधि में लगभग सभी योजनाओं के जो हितग्राही हैं उनको हम सैचुरेट कर देंगे। और इसी दौरान ये कोशिश करेंगे कि जो भी जनता से जुड़े हुए विभाग हैं उन सभी विभागों के इंस्पेक्शन का काम, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता का काम, आंगनबाड़ियों के बेहतर वितरण का जो प्रक्रिया है उसके निरीक्षण का काम, जितने भी हॉस्टल आश्रम छात्रावास है उनके इंस्पेक्शन का काम भी हम जिले के सभी अधिकारियों से करा रहे हैं। और एक ऐसे वातावरण के निर्माण का प्रयास है जिसमें कि शासन की योजनाएं आप तक पहुंचे, आपको उसका लाभ मिले और न केवल लाभ मिले बल्कि एक संतुष्टि की भाव का वातावरण का निर्माण भी हो। हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे जो सरकारी अमला है इसके अलावा जो शैक्षिक संगठन हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो सामाजिक राजनीतिक विभिन्न समूह हैं उन सबको इस अभियान का हिस्सा बनाए, इसलिए हम लोगों ने ये निर्देश भी दिए हैं। माताएं बहनें बंधु, आज का दिन बड़ा विशिष्ट दिन है और विशिष्ट आयोजन है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन में वो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में पधारे हैं और वहाँ पर जैसे रीवा में मुकुलपुर में टाइगर सफारी का हम लोगों ने बना के लोकार्पण किया था, वैसे ही पालनपुर पूर्व पालनपुर में इसी प्रकार के बहुत बड़ा जंगल जिसके अंदर बसने वाले गांवों को विस्थापित करके और वहाँ पर चीता को विस्थापित करके पुनर्स्थापित करके पूरे देश में चीता समाप्त हो गई। टाइगर तो है, बब्बर शेर है, तेंदुआ और तमाम तरह के जानवर हैं, लेकिन देश में चीते नहीं थे। तो साउथ अफ्रीका से हवाई जहाज में उनको लेके और आज उस जंगल में छोड़ने का काम करने के लिए स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश पधारे हुए हैं, श्योपुर में पधारे हैं। और ऐसे अवसर पर जनता के सेवा के लिए सेवा ही संकल्प का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में हैं, जिन्होंने गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड, मुफ्त में इलाज 5 लाख रुपए तक का गरीबों का हो, संबल योजना से लेके और तमाम तरह की पेंशन योजनाएं जिसमें 600 रुपए प्रतिमाह पेंशन उन लोगों को देने का काम होता है,
13 योजनाएं हैं। ऐसा काम करने वाले भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वहीं पर स्वसहायता समूहों का और एक प्रकार के आयोजन भी रखा हुआ है और उसी प्रकार के हितग्राही तो वहां पर है। मोदी जी के जन्म के अवसर पर ग्रेट टू नेशनल कार्यक्रम चल रहा है, क्या अनुमान लगाते हैं कितना लोग आएंगे यहाँ, कितना लाए? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती एवं पंडित लाल बहादुर शास्त्री जन्म दिवस तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। इस सेवा पखवाड़ा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा के विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे, आप वैचारिक प्रबोधन कार्यक्रम होंगे, रचनात्मक कार्यक्रम होंगे और उसी के तहत भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा आज यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से हम युवाओं में एक सेवा भाव जागृत हो, यह रक्त जो है जरूरतमंदों काम आएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज सैकड़ों की संख्या के हमारे युवा कार्यकर्ता रक्तदान करने वाले हैं। आज मोदी जी लाइव आ रहे हैं यहाँ, कुछ लोगों का सहयोग भी हो रहा है यहाँ से, क्या योजना चलाई जा रही है? अब ये तो जो आप कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 17 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक हितग्राही शिविर लगाने का आदेश किया है, जिसके तहत पूरे प्रदेश के सभी पंचायतों तक शिविर लगेंगे। शिविर के माध्यम से जो भी पात्र हितग्राही हैं जिन्हें शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, उनको उनके घर पर जाकर पंचायत में शिविर लगाकर वो लाभ देने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया है। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा और इस दौरान विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।